अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये केस दिखाने का मकसद ये है कि मैं अपने पेशेंट्स की नी को पूरी कोशिश करता हूँ कि 100% उसी कंडीशन में लेकर आऊँ जिस तरह इंजरी से पहले थी। इस यंग लड़के की नी में सिंपल एसीएल टेयर नहीं था, उसके साथ साथ उसका मीडियल मेनिस्कस भी पूरा डैमेज था और लैटरल मेनिस्कस भी पूरा डैमेज था। और उसके पीछे वजह ये थी कि अक्सर पेशेंट्स की नी में एसीएल के साथ जब मेनिस्कल टेयर होता है तो एक साइड पे होता है, इसके दोनों साइड मेनिस्कल टेयर थे। 2 महीने पहले हमने दोनों मेनिस्कस को एक साथ रिपेयर किया और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की। आज माशाल्लाह 8 हफ्ते हो गए और हम आपको दिखाते हैं कि इनकी टांग कैसी है। अगर हम आपको दिखाएं तो देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कार बिल्कुल हील हो गए हैं, कोई स्वेलिंग नहीं है। बेंड करके दिखाएं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता बेंडिंग फुल अचीव हो चुकी है। और अगर मैं इनका हाथ लगा के ग्राफ देखूं तो रॉक सॉलिड है, और अगर सीधी टांग में देखूं तो बिल्कुल सॉलिड है।